हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वांडा विजन 1970 सीरीज के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप में से कोई न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने वांडा विजन 1960 की स्टोरी थ्योरी को कंप्लीट किया है, तो पहले आप लोग वो देख लो, देन इसे कंटिन्यू करो, वरना शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अब बारी 1970 की, तो चलो शुरू करते थियरी। तो जैसे ही एगाथा डायमेंशन पोर्टल से जाती है वांडा के पास, तो उतने में वो डायमेंशन पोर्टल से पहुंच जाती है वांडा विजन 1970 की रियलिटी में। तो इस रियलिटी में टाइम थोड़ा अलग चलता है, यानी टाइम थोड़ा फास्ट चलता है। तो बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन ट्विंस जितने होते हैं उससे थोड़े ही बड़े होते हैं। लेकिन वांडा के ट्विंस की एज टाइम से नहीं, लेकिन वांडा जैसे चाहे वैसे उनकी एज बढ़ा सकती है। तो अब ट्विंस थोड़े बड़े हो जाते हैं और वांडा विजन और उनके दो अनमोल रतन साथ साथ हैप्पी लाइफ बिताते हैं। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखती है एगाथा हार्कनेस, और एगाथा उसके मैजिक से स्वॉर्ड को हैंडल करती है। लेकिन 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 मोनिका बहुत स्मार्ट होती है। मोनिका टैग की मदद से चले जाती है वांडा के 1970s की रियलिटी में, और वहाँ पहुँचते ही वो बना लेती है वांडा को अपनी फ्रेंड। लेकिन कुछ समय के बाद वांडा को पता चलता है कि मोनिका कैसे आई है और क्या करने आई है, और पता चलते ही वांडा उसके रियलिटी से उसको बाहर फेंक देती है, आई मीन मोनिका को। लेकिन वांडा के एक्ट से 1970s की रियलिटी भी हो जाती है ब्रेक, और वांडा फिर से वैश्यू में अकेले होती है। विजन और उसके ट्विंस दोनों गायब हो जाते हैं, और उसकी वजह से वांडा एकदम गुस्से में हो जाती है। और सीन कट होता है और हमें दिखता है नेक्रोडेमस, और नेक्रोडेमस वांडा को सब बताता है कि वो कौन है वगैरह वगैरह। और नेक्रोडेमस वांडा को एक ऑफर देता है कि वो उसे बताएगा कि विजन और उसके ट्विंस को वापस कैसे जिंदा कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, लेकिन उसके लिए वांडा को उसकी मदद करनी होगी। और वो मदद मांगता है वांडा से कि उसे पकड़ के लाना होगा एगाथा हार्कनेस की सोल नेक्रोडेमस के लिए। और उसी वक्त वांडा नेक्रोडेमस से कहती है कि क्या वो क्विक सिल्वर को जिंदा कर सकती है। तो नेक्रोडेमस कहता है ना, नहीं हो सकता ये। तो इसी कारण वांडा डील एक्सेप्ट नहीं करती है, और उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो खुद से ज़िंदा कर सकती है विजन एंड उसके ट्विंस को, और साथ ही क्विक सिल्वर को भी। तो यहाँ पे होती है मेरी थियोरी ख़त्म। तो अब नेक्स्ट बार ये वांडा विजन 1980s की, तो वेट करो, जल्द आएगी वीडियो। और अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वांडा विजन 1970s की थियरी कैसी लगी है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।